right after the break to Vastu Living with Pallavi Chilavra. We are here in San Francisco right now with a very, very honorable yet humble and successful individual, Mr. Nimish Patel. First of all, bahut bahut shukriya aapka. आपके अपने शहर में हमें बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और हम बात कर रहे थे आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, और सक्सेस स्टोरी में स्ट्रगल्स भी आती हैं. तो कैन यू प्लीज शेयर अस अ फ्यू स्ट्रगलिंग मोमेंट्स इन योर करियर, इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं. बिगिनिंग में तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया. बिगिनिंग में हम लोगों ने तीन भाई, फादर मदर, एवरी डे हम लोग काम करते थे. ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 years हम लोगों ने कोई भी ऑफ नहीं लिया था. सातों दिन 12 to 16 hours एवरी डे सब लोग काम करते थे. यहाँ तक कि मेरी शादी हुई थी जब, तब लड़के वालों के तरफ से सिर्फ 8 लोग गए थे. वो तो उस वक्त हमारी पोजीशन बहुत फाइनेंशियली टाइट थी. तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, बट सक्सेस भी देखा, क्योंकि सब पूरा फैमिली ने साथ में काम किया था. तो सक्सेस भी बाद में मिला, बट बिगिनिंग में बहुत ट्रबल आई थी. But now, Allah ki, Bhagwan ki marzi se very good hai. Nimish ji, thank you so much for sharing that beautiful story with us. Hard work ki wajah se hi success aata hai. Thank you so much. Pallavi ji, baat karte hain vastu ke baare mein. So where does this struggle and vastu kind of connect and overcome that to create success? It's a very good question, Monty. कोई भी आदमी जब कोई हार्ड वर्क करता है और एक पर्सन स्मार्ट वर्क करता है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग तब जाके सक्सेसफुल होते हैं जब उनके हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क जुड़ा हुआ होता है. वास्तु शास्त्र के हिसाब से हर एक को काम तो करना ही पड़ता है. मैं मंडे टू फ्राइडे फ्लाई करती हूँ, सो मेरी भी कंसल्टिंग की वजह से, काम की वजह से मैं ग्लोबली वर्क करती हूँ. आई वर्क विद लॉट ऑफ पीपल, तो हमारे साथ भी पूरे दिन बिजी रहना, एक्टिव रहना सब लगा रहता है. वास्तु का मतलब कोई शॉर्टकट की नहीं है, वास्तु का मतलब कोई मैजिक नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है जो हम अपने स्लोगन में कहते हैं कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे. उसका मतलब ये बनता है कि हम आपके लिए एक रास्ता बनाते हैं, हम आपके लिए एक रनवे बनाते हैं, लेकिन चलना आपको ज़रूर है. जैसे अगर किसी बिज़नेस कंसल्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो लोग मेरे पास अलग अलग तरह के बिज़नेस को लेकर आते हैं. कोई मॉडल इंडस्ट्री के बारे में, कोई गैस स्टेशन के बारे में, कोई हेल्थ केयर बिज़नेस के बारे में, ब्यूटी सलोन बिज़नेस के बारे में, लीकर स्टोर बिज़नेस के बारे में. वास्तु कंसल्टेंट खुद डिसाइड नहीं करता है कि इस आदमी के लिए चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो भगवान बन जाएगा. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट की ओर से मिलती है, हमारा बेस है पर्सन की नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. अगर वो ग्रुप में काम करते हैं, देन वी विल डेफिनेटली गो विद द ग्रुप कॉम्बिनेशन डिटेल. तो जैसे 3-4 लोग पार्टनरशिप में हैं, 2 ब्रदर हैं, जैसे इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, तो जब हमें कोई ग्रुप कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये देखते हैं कि भाई अभी यहाँ पे एक मॉडल के लिए काम करना चाहते हैं, होटल मॉडल इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं. तो अब इनके घर में से जिन लोगों को मॉडल इंडस्ट्री सूट करती है, उन लोगों के नाम को सिलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनके लिए एक नेम ऑफ द कॉरपोरेशन बनाते हैं, और वो कॉरपोरेशन के हिसाब से, ऑनर के हिसाब से उनको एक डायरेक्शन सजेस्ट करते हैं कि भैया आप अपनी मॉडल या होटल ढूंढने के लिए वेस्ट फेसिंग लॉट को ढूंढो, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग लॉट को ढूंढो या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लॉट को ढूंढो. कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है कि भैया मुझे रेस्टोरेंट करनी है, और ग्रुप कॉम्बिनेशन में लोग एक से ज़्यादा है, तो उनमें से जिन लोगों को नेचर ऑफ बिजनेस जो सूटेबल है उसके हिसाब से हम उनको बिजनेस को गाइड करते हैं. सो वास्तु के अंदर इट्स ए कम्प्लीटली, वास्तु इज बेस्ड ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स. इसमें मैजिक कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी चीज़ सिर्फ मेरे बनाने से सक्सेसफुल होती है, लेकिन जिन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है एंड प्रिंसिपल है मेरे सब्जेक्ट के, उसको फॉलो प्रॉपर करने से उसका रिजल्ट आता है. एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई वास्तु करता है तो उसके अंदर सपोज हमारे पास ऑप्शन नहीं है डायरेक्शन सिलेक्शन करने का, तो हम जाके उनके लिए जो लकीस्ट दिशा है वो उस प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं ज़रूर बनी होगी, तो उसको जाके इम्प्रूव करते हैं. सो वास्तु का मतलब होता है कि हर किसी पर्सन के लिए कुछ बातें निश्चित है, कुछ बिजनेस उनके लिए सूटेबल है, बहुत सारे सूटेबल नहीं भी है, कुछ डायरेक्शन उनके लिए अनुरूप है, कुछ डायरेक्शन अनुरूप नहीं है. जैसे हर आदमी का मेडिकल रिपोर्ट डिफरेंट होता है, हर आदमी के एस्ट्रोलॉजिकल उनके जो भी हॉरोस्कोप है वो डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से हर आदमी की चॉइस डिफरेंट होती है, पसंद नापसंद डिफरेंट होती है. वास्तु भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि हर एक का वास्तु इंडिविजुअल होता है. सो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, व्यक्ति की पर्सनालिटी के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन साथ में काम करेगा उसको मिला के नेचर ऑफ बिजनेस, डायरेक्शन और लॉट सिलेक्शन की हेल्प वास्तु के जरिए की जाती है.
तो हर एक चीज तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने निमिषी के साथ ही ये बात मैं कहना चाहूँगी, मेरे काफ़ी पटेल क्लाइंट्स से मैं होटल इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों से काम करती हूँ, तो जब लोगों को इंडिया के वास्तु के बारे में एहसास होता है तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओगे तो पूरे घर को तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगी कि बिना किसी तोड़ फोड़, बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी मंत्र तंत्र से भी आप अपनी प्रॉपर्टी को वास्तु के सिंपल प्रिंसिपल के थ्रू फिक्स कर सकते हो। Thank you so much for sharing all these lovely thoughts with us, individual or combination, dono ke aspects se. Are there any other things that you would like to share with us as well? बिल्कुल, अगर आप बिजनेस के वास्तु के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो सिलेक्शन, डायरेक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस के साथ दिशाओं के सिलेक्शन के बाद सबसे प्रायोरिटी होती है ऑन साइट वास्तु के बाद आती है ऑन पेपर वास्तु की। ऑन पेपर वास्तु का मतलब होता है कि जो तीन चार लोग या जो भी पार्टनरशिप हमें लोगों की मिलती है, चाहे वो दोस्त हो चाहे परिवार के लोग हो, तो उनकी कॉम्बिनेशन के अनुसार हम कंपनी का कॉरपोरेशन बनाते हैं और उसी कॉरपोरेशन का नाम, उसके लिए कुछ लेटर्स सजेस्ट किए जाते हैं, उसी के बेस पे वेबसाइट, बिजनेस कार्ड, कंपनी के ब्रोशर, अगर कोई फाइनेंस या मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी हो तो उसका सारा मार्केटिंग मटेरियल, कुछ कंपनी के खास तरह के लोगो, वो सारी बातें वास्तुशास्त्र के ज़रिए सिलेक्ट की जाती है। और वास्तु लोगों को लगता है कि सिर्फ घर के लिए होता है या घर के दिशा या दरवाज़ा सिलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन मैं अपने इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान जो जिन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ उसके हिसाब से हमने हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर, अलग अलग तरह के अर्जेंट केयर के अंदर, ब्यूटी सलून बिजनेस के अंदर, जो भी हमारी एशियन कम्युनिटी के साथ रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस है, एवरीडे एक यूनिक सब्जेक्ट हमें मिलता है, एवरीडे हमें एक यूनिक कपल मिलता है। और मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, नए नए परिवार के लोग, अलग अलग दिशाओं के लोग, वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस में ना कोई कंट्री की मर्यादा है, ना ही कोई रिलीजियन का कोई रिस्ट्रिक्शन है, हर तरह के लोगों के साथ ईजीली अप्लाई कर सके उतना आसान विषय है। Thank you so much for sharing all that. और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का. We're in conversation with Pallavi Chelavda and Nimish Patel from San Francisco. और all these thoughts and all these practices of Vastu will have the experience with Nimish Patel very, very shortly. Please don't go anywhere. This is Vastu Living with Pallavi Chelavda.